रुद्रपुर कोतवाली की चौकी रामपुरा में पुलिस टीम ने जुआरियों ने मारपीट कर दी। इतना ही नहीं, पुलिस ने वहां से किसी तरह भागकर घर में छिपकर अपनी जान बचाई। दोनों पुलिस कर्मियों के घायल होने की सूचना है। वही घायल पुलिसकर्मी का अस्पताल में उपचार कराया गया है। जानकारी के अनुसार पुलिस को 112 पर सूरज ने सूचना दी कि उसके पड़ोस में रहने वाले जितेंद्र अपने घर में लड़ाई कर रहा है और घर का सामान तोड़ रहा है। पुलिस सूचना पर पुलिसकर्मी गणेश और पूरन आर्य मौके पर पहुंचे। इस दौरान सत्ता चौराहे पर जुआरियों ने पुलिस को घेर लिया और पुलिस पर पथराव कर दिया। पथराव होता देख पुलिसकर्मियों ने वहां से भाग कर जान बचाई। COCT निहारिका तोमर ने बताया कि पुलिस पर पथराव करने वाले किसी भी हाल में बख्शे नहीं जाएंगे। को 112 पे सूचना में प्राप्त हुई थी रामपुरा क्षेत्र से कि वहां पर मारपीट की कोई घटना हुई है। तो जब हमारी चौकी क्षेत्र से जो चीता थी वो मौके पर जाने लगी, तो रास्ते में जब वो जा रहे थे तो उनको कुछ जुआ खेलते हुए लोग मिले, जहाँ पर वो रुके और उन्होंने उनके ऊपर उनको पकड़ने की कोशिश की और मामला पूरा जानने की कोशिश की। तो जैसे ही उन्होंने पुलिस को आते देखा, वो सब लोग वहाँ से भागने लगे और उनके द्वारा 2 स्कूटी और 1 बाइक वहीं पर खड़ी थी, वो छोड़ दी गई। तो जब पुलिस वाले वहाँ पर पहुँचे तो उनमें से जो लोग जुआ खेल रहे थे, उनमें से 3-4 लोगों द्वारा पुलिस के विरोध दर्ज किया गया और झड़प हुई। तो इसी बीच जो वहाँ पर स्कूटी और बाइक मौजूद थी वो पुलिस द्वारा ले आई गई और जो लोग इस झड़प और विरोध में मौजूद थे उनको चिन्हित किया गया है। जो हमारे रात्रि अधिकारी थे मौके पर पहुँचे और बाकी फोर्स भी वहाँ भेजी गई थी। इसमें जो रात्रि अधिकारी है उनसे रिपोर्ट ली जा रही है, जिस पर उचित कार्रवाई की जाएगी और शीघ्र ही इसमें मुकदमा भी पंजीकृत किया जाएगा।